आप सभी को नमस्कार। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप सभी को पर्याप्त समय मिला है। 22 दिसंबर 2024 को आप सभी का प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम है। एक लंबा समय लग गया इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम डेट में, लेकिन ये एक बड़े अवसर के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। देखिए, 11 फरवरी को जो पेपर आया था उसका स्तर आप सभी ने देखा है। आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो एग्ज़ाम का लेवल भी आपको पता होगा कि बहुत स्तरीय पेपर था, और अब आयोग पेपर के लेवल को अपग्रेड कर रहा है। ऐसे में आप सभी की बहुत डिटेल तैयारी होनी चाहिए। कभी भी कोई समय बहुत अधिक नहीं होता है। हम चीज़ों को मान के बैठ जाते हैं कि समय बहुत अधिक है। कोई भी समय अधिक नहीं होता है। समय जितना भी होता है, यदि उसको अच्छे से सदुपयोग करें तभी उस समय का एक इम्पॉर्टेंस है। तो आज का सेशन ये आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो सबसे पहले क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है, दूसरा आपको क्या क्या बुक्स पढ़नी है। रिसोर्सेज पे भी बात करेंगे। बुक्स पे ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये नया और अपग्रेडेड वीडियो है। आर ओ की बुक किट को लेकर के पूरी किट बताऊंगा, और जो अभी पेपर का लेवल चल रहा है उस आधार पे ये बेस्ट बुक है। ये चीज़ें आप भी मान के बैठेंगे। देखिए, एक आपका जीएस का पेपर है, एक आपका हिंदी का पेपर है। हमें दोनों को बेहतर करना है। हम अपने जीएस को बेहतर करेंगे ताकि प्री और मेंस में कोई अलग अलग नहीं है। दोनों का लेवल जो है हमें मेंटेन करके चलना है, और दूसरा जो है समान हिंदी। और आप सभी को बुक्स से ज़रूर पढ़ना है। मेरा आप सभी से आग्रह है, बुक्स से ज़रूर पढ़िए। मैं एक आपको एक नई स्ट्रेटजी भी दे रहा हूँ। यदि इस स्ट्रेटजी का पालन अभी करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। UPPCS भी यदि दे रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट होगा इस पर, ठीक है। देखिए, एक काम आप करिए, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सबके पास होने चाहिए। मतलब इसको आप किसी तरीके से इग्नोर मत करिएगा। विदाउट PYQ आपकी पावर कम रहेगी, मतलब आप शायद कम्पीट ना कर पाएँ उन सभी के साथ जो PYQ के साथ जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, जैसे अभी ये 11 फरवरी वाला ही पेपर हुआ था। इसके बाद जो है आपका एक पेपर, इससे पहले जितने भी आपके RO के पेपर हुए, लगभग 5 से 10 साल के पेपर आपके पास हों। अब इन पेपर में देखिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको घटना चक्का भी मिल जाएगा, प्री मेंस दोनों का कंबाइंड उन्होंने निकाला हुआ है। जीएस का अलग और हिंदी का अलग, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग ही रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को क्यों ना हम एडवांस बुक से डिटेल में पढ़ लें। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया आपका सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से, तो क्यों ना हम फिर सभी स्थलों को पढ़ लें किताब में जा करके। एक तरीका ये हो सकता है, किताब उठाई और शुरू से पढ़ना आपने चालू कर दिया। एक तरीका ये हो सकता है कि जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको उठाया, उनको पढ़ा, और साथ ही डिटेल में किताब के साथ भी पढ़ते चले गए, ठीक है। अब आपके मन में एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कहीं से भी आप उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको वेबसाइट्स वगैरह में मिल जाए, या फिर घटना चक्र ले लीजिए। मैं और घटना चक्र है, यूथ पब्लिकेशन है, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, आपकी मर्जी है। बट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिना नहीं रहना है। हिंदी का अलग रखिएगा और इसका अलग रखिएगा, ठीक है। अब मैं जो आपको यहाँ पे बुक्स बताने जा रहा हूँ, ये बुक्स बेस्ट बुक हैं। यदि इन बुक को आप पूरा पढ़ के जाएंगे, आप RO एग्ज़ाम तो निकालेंगे ही निकालेंगे, 100% गारंटी है। साथ ही RO के साथ आप UPPCS एग्ज़ाम में बेस्ट प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये किताब UPPCS के लिए भी सबसे अच्छी किताबों में से एक है, ठीक है। और अब मैं एक एक करके आपको किताबें बताऊंगा। यदि ये सारी बुक्स आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक भी आपको मिल जाएगी, ताकि आपको कहीं परेशान ना होना पड़े। ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो गांव के क्षेत्र में रह रहे हैं, आप सभी के लिए हमने एक इनिशिएटिव प्रारंभ किया है, आज़ाद पब्लिकेशन। उसके माध्यम से आप कोई भी बुक मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं बुक किट की लिंक भी दे दूंगा, ताकि आपको यदि चाहिए तो आपको घर बैठे ही उपलब्ध हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। चलिए, सबसे पहले हम समान हिंदी की बुक के साथ देखते हैं। मैंने पहले भी ये बुक रिकमेंड की है, और मैं इसलिए इस बुक को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी जब आप ये बुक देखेंगे ना, तो इस बुक में क्वालिटी कंटेंट है। अदर बहुत सारी किताबें आती हैं, और इससे पहले मैंने आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक बोली थी, लेकिन एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है समान हिंदी के लिए, जिसमें सब कुछ है A to Z, जो भी आपका सिलेबस है, यहाँ तक कि प्रशासनिक शब्दावली से लेकर के हर चीज़ आपको इसमें मिलेगा। तो ये समान हिंदी एक समग्र प्रस्तुति के तौर पे है, जनरल हिंदी की बुक है, और इसमें 32 वर्षों के परीक्षा के प्रश्नों का भी, और इसमें कई सारी परीक्षाएँ इंक्लूडेड है। यानी UP के जो बच्चे RO के साथ UPPCS दे रहे हैं, या कुछ जो है परीक्षा जो है शिक्षक भर्ती जो होती है उनकी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो आप सभी भी ये बुक ले सकते हैं। ये बुक अपने आप में बेहतरीन बुक है, समीक्षा अधिकारी के लिए तो बेस्ट ही है ये। तो समान हिंदी की बुक है, और इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है
कि इस किताब में हर चीज़ आपको एक जगह पे मिल जाएगी, मतलब एक ही किताब चाहिए, दूसरी किताब की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आर ओ आर ओ का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा। इसमें आपको पत्र लेखन भी मिल जाएगा, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान का जो सेगमेंट आपका रहता है वो भी इसमें आपका दे रखा है इन्होंने, और प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावलियाँ भी आपको मिल जाएंगी, प्रशासनिक वाक्यांश भी मिल जाएंगे, पदनाम सूची, ये सारी चीज़ें जो आपके आर ओ के पेपर में आता है हर चीज़ इस पेपर में आपको है। हिंदी तो है ही, लेकिन हिंदी के साथ साथ आपके अदर टॉपिक कंप्यूटर्स वगैरह भी यहाँ पे लास्ट में चैप्टर दिए गए हैं, तो इसलिए मैं इस किताब पे इतना जोर दे रहा हूँ। अब आप करिए क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें देखिए क्या पूछा गया। जैसे कोई पर्यायवाची पूछी गई है, कोई शब्द विलोम पूछा गया है, कोई मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछा गया है, तद्भुतम पूछा गया, विशेष विशेषण पूछा गया, जो कुछ भी पूछा गया उसको यहाँ पर देखिए और फिर उनको रट जाइए, उनको याद कर लीजिए, तो इससे PYQ भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही पूरा टॉपिक डिटेल में इनडेप्थ यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इसलिए सामान्य हिंदी की ये बुक बेस्ट बुक है और मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इसको आप करिए, इसमें पत्र लेखन भी आपको पूरा मिल जाएगा, जो जो टॉपिक आपके पत्र लेखन के वो भी इसमें कवर हो रहा है। अब आप कहेंगे सर हमारे पास दूसरी बुक है, एक बुक और ख़रीद लीजिए, ठीक है, उसको यदि आप चाहें स्किप कर दीजिए, बट ये किताब आप पढ़िए, मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है, परीक्षा वाणी बौद्धिक प्रकाशन की बुक है, ठीक है। चलिए, तो इससे देखो हिंदी प्री भी कवर हो रहा है, हिंदी मेंस भी कवर हो रहा है आपका 60 नंबर का। अब देखो निबंध वगैरह बचेगा, निबंध वगैरह के लिए तो ऑलरेडी मेरे इतने सारे सेशंस हैं, आज़ाद एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर निबंध लेखन की पूरी प्लेलिस्ट है, और बाकी ऑनलाइन बैच में आपको चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। यदि आप आर ओ आर ओ का अधिकारी बैच ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर हर चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी, सारी चीज़ें हमने करवा रखी हैं। आज़ाद अकेडमी लर्निंग ऐप पर मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर लिस्टेड है, जिसमें आर ओ का भी कोर्स है आपका, और अगले साल भी यदि आप 2025 से 26 में आर ओ देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका सेपरेट कोर्स है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट, पहले तो आपका ये हो गया, हिंदी की बुक का आपका क्लियर हो गया। हिंदी के बाद अगली किताब जो है हम समान अध्ययन की देखो कई किताबें हैं और मैं आपको बेस्ट बुक ही बताऊंगा, जो कुछ भी बताऊंगा मैंने वाणी की किताबों का बुक लिस्ट पहले भी बता रखा है, वाणी को ही मैं ज़्यादा भरोसेमंद मानता हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में घटना चक्र का लीजिए कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं, उसका PYQ ही अवेलेबल है तो आप वहाँ पे PYQ पढ़िए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। घटना चक्र का समान अध्ययन का सीरीज अलग है, समान अध्ययन के साथ हिंदी का अलग है, ठीक है, तो दोनों को आप अलग अलग ले लीजिए, वो PYQ के तौर पर काम आएगा, बट डिटेल में पढ़ना है क्योंकि जो लेवल है उस लेवल पर आपको बिना डिटेल के जाएंगे ना, और UPPCS भी आप दे रहे होंगे तो ये भी काम आएंगे, तो UPPCS के लिए भी आप ये बुक ले सकते हैं। वैसे UPPCS के अलग से बुक किट बनाऊंगा क्योंकि मेंस में बहुत सारे टॉपिक अलग अलग हैं, और UPPCS का पेपर 5 पेपर 6 के लिए अभी मैं बुक्स आपको बताऊंगा, मैं क्लासेस करवा रहा हूँ इन डिटेल इन डेप्थ, बट अभी मैं बुक भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। घटना चक्र ने कुछ बुक्स निकाली हैं जो मतलब मुझे अच्छी लगी, कंटेंट वाइज भी ठीक है, चीज़ें अच्छी हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अब इसमें प्राचीन भारत के इतिहास से। देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन आर ओ भी पूछता है, UPPCS भी पूछता है, तो प्राचीन भारत में कुछ भी अदर कोई भी बुक पढ़िए मत, सिर्फ एक किताब पढ़ लीजिए आप इसकी, ये है परीक्षा वाणी की प्राचीन भारत का इतिहास, बेस्ट किताब है एंशियंट हिस्ट्री पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के संकलन के साथ साथ है, और इस किताब में आपको जो कंटेंट मिलेगा ना वो अपने आप में अद्वितीय कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है आप सभी लोग ये कंटेंट जरूर पढ़िएगा, प्राचीन भारत बौद्धिक प्रकाशन परीक्षा वाणी की किताब है, ये आपको किट में मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अब देखिए जो मेडिवल हिस्ट्री है, अभी वाणी ने मेडिवल हिस्ट्री की कोई बुक दी नहीं है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैंने ओल्ड NCERT सतीश चंद्र जी की रखी है। वैसे देखो RS शर्मा की ओल्ड NCERT आती है, बट ये जब आप पढ़ेंगे ना वाणी की, इसमें फैक्ट भी हैं, परीक्षा ओरिएंटेड बॉक्सेस बना के दिया है, प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, वो चीज़ें NCERT में नहीं मिल पाती हैं। तो आपको चूंकि हमारे पास अभी अल्टरनेटिव नहीं है, कोई बहुत अच्छी किताब नहीं है मेडिवल हिस्ट्री में, तो सतीश चंद्र जी की NCERT आती है, क्लास 11th की ओल्ड NCERT है, इस NCERT में आपका काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। वैसे जो प्राचीन भारत की किताब है उसमें लास्ट में मेडिवल हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक दे रखे हैं। देखो मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो जो पूर्व मध्यकाल का सेगमेंट है वो उसमें मिल जाएगा, और बाकी जो चीज़ें बचेंगी रिमेनिंग चीज़ें वो इस किताब में मिल जाएंगी, सतीश चंद्र की ओल्ड NCERT क्लास 11, ठीक है। ये किताब को भी मैं बेस्ट बुक्स में मानता हूँ, आप भी इस किताब को जो है ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद अगली जो बुक है वो है आधुनिक भारत, और नो डाउट एक बहुत अच्छी किताब परीक्षा वाणी ने हमें दी है, परीक्षा वाणी का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि आप में से परीक्षा वाणी के पास ये वीडियो जाता है तो निश्चित तौर पे आपने बहुत सराहनीय काम किया है, ये किताब बहुत शानदार है, इस किताब का कंटेंट भी अच्छा है, बहुत सारगर्भित है, और ख़ासकर UP और RO के संदर्भ में, मतलब ये किताब अच्छी है। जैसे मैं UPSC के संदर्भ में
भी इस किताब को मतलब पढ़ सकते हैं आप, लेकिन वहाँ पे मैं स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के लिए बुक बोलता हूँ, पर PCS वगैरह के लिए इस किताब में कंटेंट पर्याप्त है, बहुत अच्छे से कंटेंट दिया गया है, ठीक है। तो एक ये आप देखिएगा। अच्छा, ये मैं एक चीज़ और बता दूँ, ऐसा नहीं है कि मुझको परीक्षावाड़ी ने कहा है कि आप ये वीडियो बना दीजिए, बुक का प्रमोशन कर दीजिए, नहीं, ये इस बिहाफ पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक एक सब्जेक्ट पे 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 किताबें पढ़ रखी हैं, है ना। आप मुझसे इसी टॉपिक पे पूछेंगे तो मैं पहले यशचंद बताता था आपको, जो है BL ग्रोवर और अलका मेहता की किताब आती थी, शेखर बंदोपाध्याय किताब आती थी, बट उनका लेवल अलग है उन किताबों का, वो UPSC लेवल में शेखर बंदोपाध्याय, पलासी से विभाजन आप पढ़िए, सुमित सरकार की एक बुक आती है, एक आपकी, तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, बिपिन चंद्रा की बुक आती है, अभी स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन जैसा कि मैंने आपको नाम लिया, लेकिन RO के लिए इतना नहीं पढ़ना है, RO के लिए इससे आप पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, PCS और RO दोनों के लिए कवर हो जाएगा। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास की बेस्ट बुक है, ठीक है। इसके बाद अगला हम चलते हैं पॉलिटी के लिए। देखो, पॉलिटी में भी जो क्वेश्चन आते हैं, आप चाहें यदि सटीक पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो भारतीय राज व्यवस्था की बहुत शानदार बुक हमें परीक्षावाड़ी ने दे रखी है, ये अगेन बौद्धिक प्रकाशन परीक्षावाड़ी की बुक है, और ये किताब भी बहुत शानदार है। मैंने बहुत सारी किताबें पॉलिटी में पढ़ी हैं जिनमें से मैं इस किताब का फ़ैन हूँ अपने आप में। मैंने डी डी बसु, लेकिन उनका लेवल अलग है, DD Basu हो गया, चाहे आपका एक लक्ष्मीकांत की बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है, PM Bakshi की बुक है, JN पांडे की बुक है, तो उनका लेवल अलग है, वो UPSC लेवल की किताबें चली जाती हैं। ये किताब जो है आपकी PCS और RO के लिए सफिशेंट है, इसमें बहुत तथ्य हैं, फैक्ट हैं, ये किताब पूरी पढ़ के बोल रहा हूँ मैं, जो कुछ भी कह रहा हूँ आपको मैं विदाउट पढ़े कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत सारे पब्लिशर, बहुत सारे पब्लिकेशन मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि सबसे पहले मैं किताब पढ़ूंगा, और मैं बहुत सारी कमियाँ भी आइडेंटिफाई करके देता हूँ पब्लिकेशंस को कि भाई ये कमियाँ हैं बुक में, इनमें सुधारिए, अभी मैं इनको प्रमोट नहीं कर पाऊँगा। तो एटलीस्ट जैसे मैं घटना चक का भी कंटेंट बहुत सारा मुझे सही लगता है, बहुत सारा कंटेंट सही नहीं लगता है, ठीक है। जैसे पुनरावलोकन भी है ना, तो पुनरावलोकन में ठीक है क्वेश्चन आंसर सही है, लेकिन जो डिटेल दिया गया है ना उस डिटेल में बहुत शॉर्टकट है, चीज़ें सब शॉर्टकट में है, जैसे अभी चैप्टर वाइज भी जोड़ दिया ना घटना चक्र ने, तो वो बच्चा समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा वो एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। क्वेश्चन आंसर के लिए तो बेस्ट है, उसके पास जिस तरीके से घटना चक्र ने काम किया वो शायद कोई नहीं करे, ठीक है। लेकिन हर बुक के मेरिट डिमेरिट होते हैं। हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ घटना चक्र भी इन्फोग्राफिक कंटेंट अभी डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट है, अभी मैं बहुत सारी किताबें अब आपके पास लेकर आने वाला हूँ, हर एक टॉपिक पे जो आप कहेंगे सिंगल सिंगल किताबों का भी मैं प्रमोशन आप सभी के लिए करूँगा, और आप लोग बढ़िया से ये किताबें, आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे आपको बुक मिल जाएंगी। यदि आप गाँव में रहना है टेंशन नहीं लेना, आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, घर बैठे आप बुक प्राप्त करिए। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, संस्थान का कॉन्टैक्ट नंबर, ये वेबसाइट है पीछे जो ओपन है, इस वेबसाइट पे आपको ये सारी बुक किट मिल जाएंगी, ठीक है। सिंगल बुक भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो भारतीय राज व्यवस्था की ये बुक है आपकी वाड़ी पब्लिकेशन की, ठीक है। इसके बाद अगली किताब है आपकी, नेक्स्ट बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की। देखो, इंडियन इकोनॉमी में कई सारी किताबें हैं, जैसे लाइक अभी एक किताब मैंने मतलब चेंज किया है, UPSC में पहले नितिन सिंघानी हम पढ़ते थे, वो माफ़ करिएगा, पहले हम पढ़ रहे थे रमेश सिंह की बुक आती थी, रमेश सिंह को अभी मैंने शिफ्ट किया है, TMH का ही आया नितिन सिंघानिया की बुक, वो भी बहुत अच्छी है, जो आर्ट एंड कल्चर जिन्होंने लिखी है उन्होंने ही, IAS अधिकारी हैं, बहुत शानदार किताब लिखी है। बट अभी RO और उसके लिए आपको केवल और केवल ये किताब पढ़नी है, परीक्षावाड़ी ने अगेन हमें बेस्ट बुक दी है, भारतीय अर्थव्यवस्था समग्र अध्ययन समान अध्ययन विशेषांक के अंतर्गत, अच्छी किताब है, सब कुछ इसमें कंप्लीटेड है, इस किताब के अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हाँ, करंट आप अलग से पढ़िए, करंट के लिए मैं भी आपको करंट की क्लासेस करवाता हूँ, सुबह 5:30 मेरी करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है, बैच के अंदर भी होती है और यूट्यूब चैनल पे आज़ादी इस एकेडमी में भी होती है, ठीक है। तो आप लोग करंट अफेयर्स में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर्स में आपको अच्छे से करवा ही रहा हूँ सभी चीज़ों का। तो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी वाले बच्चों के लिए ये आपको जो है ध्यान रखना है, बहुत शानदार बुक है। इसके बाद अगला जो है आपका अगला देखो, साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस की दो परीक्षावाड़ी ने दिया, एक तो बायो की हमें दिया है जीव विज्ञान, और दूसरा में भौतिक और रसायन विज्ञान भी परीक्षावाड़ी ने दिया है। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, इसमें भी आपको हर चीज़ मिल जाएगी, जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारगर्भित बुक है। और दूसरी ये भौतिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को एक साथ कर दिया इन्होंने, तो यदि ये दोनों किताबों को आप पढ़ते हो तो आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। और साइंस से क्वेश्चन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, PCS में भी बढ़ रहे हैं, RO में भी बढ़ रहे हैं, तो साइंस के लिए दोनों किताबें रामबाण साबित होंगी। फिर वही बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी वही रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा और फिर डिटेल में यहाँ से पढ़ लीजिएगा उस टॉपिक को, तो आपका टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर होता जाएगा, आपका दिमाग का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको रिसोर्स की वैल्यू पता चलेगी। जो कुछ भी बता रहा हूँ मैं, रिसोर्स की वैल्यू आपको पता चलेगी कि आखिरकार रिसोर्स का
क्यों ये बेस्ट रिसोर्स है, क्यों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और एक चीज़ आपको पता है, मैं जब कोई चीज़ रिकमेंड करता हूँ ना, मैं बहुत रिसर्च के साथ करता हूँ, मैं विदाउट रिसर्च कोई भी कंटेंट आप तक नहीं बताता हूँ। जो भी मैं बताऊँगा वो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर ही आपको लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे आपके समय की वैल्यू है, मुझे आपके पैसे की वैल्यू है, मुझे आपके करियर की वैल्यू है। जब ये तीनों चीज़ें आपकी, इस समय गोल्डन पीरियड चल रहा है, यहाँ पर गलत डायरेक्शन पर नहीं जाके उलझना है, नहीं तो फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों किताबें आप सभी के लिए मेरे तरफ से रिकमेंडेड बुक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगली किताब देखो, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये एक जीएस के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और अगेन हम फिर से परीक्षावाड़ी पे जाएंगे, परीक्षावाड़ी का भारत का भूगोल भी आता है और एक किताब विश्व का भूगोल है। इसमें भौतिक भूगोल के टॉपिक भी सम्मिलित हैं, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए भी आपको परेशान नहीं होना, यहाँ पर हो जाएगा। देखो भारत के भूगोल पे भी मैंने मास्टर वीडियो दिया है, विश्व के भूगोल पे भी दिया है, अभी भौतिक भूगोल पे भी एक मास्टर वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ जल्दी। तो आप सभी लोग ये ज़रूर देखिएगा, मास्टर वीडियो भी देखिएगा और ये किताबें पढ़िए। इन किताबों में आपका लगभग सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आपके परीक्षा में आता है। इन डेप्थ इन डिटेल बुक हैं ये दोनों। और अगेन फिर से परीक्षावाड़ी की बुक पर हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद अगला है इन्वायरमेंट का टॉपिक, पर्यावरण अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखो हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया और ज्योग्राफी हो गया और साइंस हो गया, पांच कोर सब्जेक्ट हो गए। छठवां सब्जेक्ट आपका पर्यावरण परिस्थितिकी का है। ये बेस्ट बुक है, मैं आईएएस के बच्चों के लिए भी रिकमेंड करता हूँ कि यदि आप इन्वायरमेंट देखना चाहते हैं तो ये पर्यावरण और परिस्थितिकी की बुक है। 17वां संस्करण आ चुका है, तो समझ लीजिए ये बहुत परिष्कृत संस्करण है आपका और बौद्धिक प्रकाशन की बेस्ट बुकों में से एक है। आप ये किताब भी ले सकते हैं, मेरे तरफ से आप सभी के लिए रिकमेंडेड है, वाणी प्रकाशन। अपने आप में देखो अभी दिसंबर तक में सब कुछ पढ़ सकते हो आप, सब कुछ आपके पास एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड पड़ा है और उस टाइम पीरियड पे जीरो से तैयारी करना चाहो कर सकते हो, किसी भी स्तर पे खड़े हो, पर समय बर्बाद मत करना आप, समय आपका प्रीशियस है, गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका छठवां सब्जेक्ट हो गया। करंट अफेयर्स के लिए देखो, एक तो करंट अफेयर्स में मेरी क्लासेज आती हैं, मेरे इंटायर वीडियो हैं, मास्टर वीडियो हैं और लाइव क्लास, यदि आप 5:30 बजे जग जाओगे तो लाइव क्लास भी ज्वाइन कर पाओगे। सप्ताह में 5 दिन लाइव क्लास लेता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे और फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे और संडे ऑफ रहता है। तो 5:30 बजे मॉर्निंग में आज़ादी अकेडमी में लाइव क्लास होती है। और बाकी कोई भी वार्षिकांक ले लो, चाहे घटना चक का ले लो, घटना सार का ले लो या फिर परीक्षा मंथन का ले लो, एटलीस्ट कोई भी करंट अफेयर्स का और बाकी मेरी क्लासेस कर लो, तो आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। इतना डिटेल और इतना डेप्थ में मैंने करंट अफेयर्स कराया है। करंट अफेयर्स का एक 99 रुपीज़ में बैच भी है आज़ाद अकेडमी लर्निंग ऐप पर, आप उसे भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर प्रीवियस जितना अभी तक करवा रखा है पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा, मंथली मैगजीन मिल जाएगी, डेली का करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कुछ सारी चीज़ें वहाँ पर आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो करंट अफेयर्स में मैं करंट अफेयर्स का बैच आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, केवल 99 रुपीज़ का है, उसमें आपको रिकॉर्डेड लाइव सेशन सारी चीज़ें मिलेंगी और आज़ाद अकेडमी लर्निंग ऐप पे करंट अफेयर्स का कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है एक बुक आपकी उत्तर प्रदेश, चूंकि यूपी का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश में अगेन वाणी प्रकाशन में हम जा रहे हैं और ये समग्र उत्तर प्रदेश समग्र करके बुक है। देखो आईएएस के लिए तो यूपी पीसीएस के लिए तो पेपर 5 पेपर 6 अलग से जुड़ चुके हैं, हम चाहें तो इससे टॉपिक ढूंढ ढूंढ के भी पढ़ सकते हैं। अभी वाणी ने अलग अलग पेपर वाइज बुक नहीं निकालनी चाहिए, वाणी पब्लिकेशन ये बुक पेपर 5 पेपर 6 जब आएंगी तो मुझे लगता है बहुत अच्छी होंगी। बट अभी घटना चक्र का कंटेंट आ चुका है, आ तो बहुत सारे लोगों का गया है कंटेंट, पेपर 5 पेपर 6 चूंकि मैं पर्सनली डील कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, 1 साल 1.5 साल हो गया जब से पेपर आपका लॉन्च हुआ है, उसके पहले से ही मैंने उत्तर प्रदेश पे बहुत काम किया, पिछले 8 साल से संपूर्ण उत्तर प्रदेश आपको पढ़ा रहा था, अब बहुत डिटेल में पेपर 5 पेपर 6 दोनों पढ़ाएं। ये दोनों बैच आपके आज़ाद अकेडमी लर्निंग ऐप पे अवेलेबल हैं, इनकी किताबें भी मैं आपको बता दूंगा अभी बाद में। घटना चक्र की किताबें 2 आई हैं, ये 2 किताबें और मेरी क्लास करोगे पेपर 5 पेपर 6 यूपी वालों का हो जाएगा। ये आर ओ वालों को केवल ये करना है, उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन ये वाली किताब करना है और ये बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, ये भी आपकी किट के साथ रहेगी, ये सारी किताबें एक किट के साथ हैं, कंप्लीट किट है आपका इसमें। और एक आपका ये जनसंख्या और नगरीकरण, ठीक है, ये सेंसस वाला टॉपिक, देखो अभी 2021 की जनगणना नहीं आई है, सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एटलीस्ट इस किताब से आपके निकल जाएंगे। तो अब देखो मेजर सारे जीएस के सब्जेक्ट हो गए, अब मैथ और रीजनिंग को लेकर के आपका जो एक सेगमेंट है कि मैथ से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आते हैं, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, उससे आप एक बार तैयार कर सकते हो, यानी और एक वाणी प्रकाशन का भी अंकगणित का एक बुक आता है, ठीक है, तो आप वो किताब भी ले सकते हैं, उस किताब में भी काफ़ी कंटेंट आपका दिया गया है। नहीं तो मैं तो कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि कर लेंगे तो आपका मैथ रीजनिंग से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं वो सारी चीज़ें आप सही से कर पाओगे। ठीक है, बाकी ओवरऑल जितना मैंने आपको बताया इतना अपने आप में पर्याप्त है, सफिशेंट है, परीक्षावाड़ी का कंटेंट
प्लस साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घटना चक्र आप ले लीजिए, घटना चक्र का पेपर या कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए और उनको डिटेल में इसके बुक के साथ जोड़ करके अलाइन करके पढ़ते चले जाइए, ठीक है। ये तो जानकारी रही। यदि आप मेरे साथ जुड़ करके कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपको बैच भी मिल जाएगा, अधिकारी बैच है आपका, आरओ यारो को लेकर के आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे बैच मिल जाएगा। यह संस्थान के जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखे हैं, वहाँ से आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। 9115269789 ऑनलाइन बैच के लिए नंबर है, और पब्लिकेशन से बुक से भी आप मंगाना चाहते हैं तो 8929821970 एक नंबर ये है, ये दोनों डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए गए हैं। ये सामने वेबसाइट है आपके, और इस वेबसाइट पे आरओ यारो की कंप्लीट बुक किट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आजाद www.azadpublication.com करके वेबसाइट है। ये सारी बुक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, हमने ये आरओ यारो की कंप्लीट बुक किट है, पूरी की पूरी हिंदी माध्यम की बुक है, और यहाँ पे ये सारी बुक्स हैं आपकी कंप्लीट, ठीक है, सारी बुक्स हैं। आपको ऐड टू कार्ट जाना है, बाय नाउ करना है, अपना एड्रेस सही डालना है, और ये किताब आपको लगभग 3000 के आसपास पड़ेंगी, पूरी किताबें जितनी भी हैं कंप्लीट बुक्स आपको, और आपके घर तक 7 से 8 दिन में पहुँच जाएंगे। एड्रेस सही डालिएगा और संस्थान से संपर्क में रहिएगा, जैसे यहाँ से डिस्पैच होगी आपको ट्रैकिंग आईडी वगैरह भेज दी जाएंगी। अभी तक लगभग नहीं होगा तो 1000 से ज़्यादा बच्चों ने बुक्स ऑर्डर की हैं, मंगवाई हैं, पढ़ी हैं, आप लोग भी पढ़िए, और आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूँ और आपको गाइड करता रहूँगा। कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मेरे साथ बने रह सकते हैं, करंट अफेयर्स की डेली फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। 5:30 बजे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास होती है, आप आइए, जुड़िए, जो पूछना है पूछिए। और साथ ही हमारा जो आज़ाद यूपी पीसीएस का एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, आज़ाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, और आज़ाद पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप सभी को पब्लिकेशन वाले में बुक किट वगैरह के बारे में जानकारी है। आज़ाद आईएएस एकेडमी और आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी में आरओ यारओ को लेकर के, यूपी पीसीएस को लेकर लगातार क्लासेज यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही हैं, करंट अफेयर्स और साथ में उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो इनको भी ज़रूर एक बार आप लोग को देखना है, चैनलों को विजिट करना है, ठीक है। तो ये रही आरओ यारओ से जुड़ी हुई बुक किट, और साथ ही मैंने आपको बताया क्वेश्चन पेपर के साथ जोड़ करके पढ़िए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपके टॉपिक कवर होंगे, आपका सिलेबस रिवाइज होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। अभी से पढ़ना चालू करिए, यदि बुक किट नहीं है तो बुक किट अपने पास ज़रूर रख लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। जो आर ओ आर ओ 2025 और 26 में देना चाहते हैं वो भी इस बुक किट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।